सबसे पहले जो ड्रेस लिया था मैं वही चीज़ दिखाऊंगी। ये हमने, ये मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था, ये इनके लिए लिया है। ये वाला शर्ट भी लिए थे, ये शर्ट आजकल मैंने देखा ना पूरी जगह इसी फैब्रिक का चल रहा है। शादी से पहले से ये शर्ट उन्होंने वहाँ से ये पहने थे, तो मैंने बोला ये शर्ट आप लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था पहने थे। ये भी अच्छा लग रहा है शर्ट ना, मुझे ये भी पसंद आया था। इसका बटन थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा पार्टी वियर है, थोड़ा सा लोगों वगैरह रहता है तो ज़्यादा सुंदर। कितने का आया वाला शर्ट? क्यों अच्छा लग रहा है? नहीं ये बल्बमैन जो ब्रांडिंग कंपनी है तो बहुत अच्छा। हाँ तो उनके यहाँ तो ब्रांड मिलता ही है ना, उनके यहाँ लोकल नहीं मिलता। ये भी अच्छा है, ये भी देखो, ये भी अच्छा है। हाँ इसमें व्हाइट कलर इन्होंने पहना, तो व्हाइट कलर में क्या आया कि इनके पेट दिख रहे थे, अरे मतलब कि वो कपड़ा अजीब सा लग रहा था। इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छा है ना, रॉयल ब्लू। आप ये टी शर्ट भी पहने थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था ये टी शर्ट में। बोले नहीं ये सब कलर पहनो यार, वही ब्लैक, वही ब्लू, वही पर्पल, हमके कुछ कलर चेंज किया करो ना। नहीं हम देखते क्या करवाएंगे। एक पैंट इन्होंने ये लिया, ये इनकी इतनी शॉपिंग जितना भी दिखाया मैंने। किट्टू रानी मेरे पीठ पीछे मेरे कपड़े तुम दिखा रही हो, मेरे को बता देती मेरा भी वीडियो बन जाता। मैं क्यों बताऊं? एक ये देखो आजकल स्टाइलिस्ट बन रहे हैं, ऐसा पैंट लिए हैं, ये टॉप है छोटी के लिए, मैंने ये टी शर्ट ली, ये दुबली पतली है आ जाएगा, क्योंकि ये मोटे मोटे को भी आ जाएगा। ये तो मैक्स से दिलाए थे, एकदम देखो सिकुड़ा के रखी थी। कपड़े ऐसे रखे जाते हैं नए कपड़े। वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने अमित एंड किट्टो जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे ये देखा होगा कि हमने बहुत सारी शॉपिंग की है। वैसे जब मैं थोड़ी सी मोटी थी तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास सारे कपड़े थे। अभी थोड़ी सी हेल्थ मेरा कम हुआ है तो मुझे सारे कपड़े इतने ढीले ढीले से लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार मैं और भी ज़्यादा मोटी, मतलब उस ड्रेस से लगती हूँ वैसे ही वैसे वैसे के वैसे ही। तो हम कल गए थे कुछ ड्रेस पतिदेव अपने ले लिए और हमने भी ले लिए, मुझे जो ठीक लगा। तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूं ये सारा जो शॉपिंग किया है हमने, सारा लाजपत नगर और करोल बाग से किया, तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। इसमें हमारे पतिदेव के और छोटी के कपड़े हैं, तो बाबू के लिए नहीं लिया, बाबू के लिए बहुत सारे कपड़े बर्थडे पर उतर रखा मतलब मिले थे उसको, तो हमने बोला कि उसको नहीं लेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा सा गर्मी अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो हम एक एक करके सारा चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अपने पतिदेव को सबसे पहले जो ड्रेस लिया था मैं वही चीज़ दिखाऊंगी। ये हमने, ये मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था, ये इनके लिए लिया है। ये मुझे जो पसंद आया मैं बोली कि ये हम ले ही लेते हैं, हम के वाइट कलर ले लोगे ना बहुत सुंदर लग रहा है, मॉडर्न पड़ा है, फैशनेबल लग रहा है। हाँ मैं एक बार में ही बोली कि आप ये ले लो, बहुत प्यारा लग रहा है ये। हमेशा ना जैसे कि अरे वो सब कलर लेते हैं, मैं बोली थोड़ा सा लो ना यूनिक कलर तो ये है नहीं, लेकिन ये होता है कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे लाइफ टाइम कलर होता है ना कि हमेशा ये चलता ही चलता है। तो ये वाले जो है इसमें कैप वगैरह भी था, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर थे। इसमें कलर एक ही दो कलर थे, तो इन्होंने बोला वाइट ले लेंगे तो गंदा होगा, हमके गंदा होगा ये मत ध्यान दो, ये ध्यान दो कि अच्छा लगेगा। एक ये हो गया, उसके बाद उसी शॉप से ये वाला शर्ट भी लिए थे, ये शर्ट आजकल मैंने देखा ना पूरी जगह इसी फैब्रिक का चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ये फैब्रिक उसी में ही है ना, ये इसी फैब्रिक में। ये शर्ट इन्होंने पिंक कलर का लिया, पहने से तो ये अच्छा लग रहा था, मैंने बोला कि थोड़ा सा अपना पेट कम करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जहाँ से ये हमेशा लेते हैं कपड़ा, शादी से पहले से ये शर्ट उन्होंने वहाँ से ये पहने थे, तो मैंने बोला ये शर्ट आप लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहने थे। ये भी अच्छा लग रहा है शर्ट ना, जो जो लिए हैं पहले हम इन्हीं का ही दिखाएंगे, आप लोग गिनते जाओ कि क्या क्या लिए हैं। और एक शर्ट इन्होंने ये लिया था, मुझे ये भी पसंद आया था। इसका बटन थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा पार्टी वियर है, थोड़ा सा लोगों वगैरह रहता है तो ज़्यादा सुंदर। कितने का आया वाला शर्ट? क्यों अच्छा लग रहा है? नहीं ये बल्बमैन जो ब्रांडिंग कंपनी है तो बहुत अच्छा। हाँ तो उनके यहाँ तो ब्रांड मिलता ही है ना, उनके यहाँ लोकल नहीं मिलता। ये शुरू से ही वहीं से ही कपड़ा उनके, हाँ ये जो मैक्सिमम है ना, शायद मैक्सिमम ही है शायद,
ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो एक दो बार हम इनके साथ गए थे शॉपिंग करने, तो फिर ये वही शॉप पे जाते थे लेने के लिए। ये तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो थोड़ा सा जाने में मुश्किल हो, लेकिन बाकी सारे कपड़े उनके यहाँ ना जो चलता है मार्केट में वही चीज़ उनके पास रहता है। पहले सिर्फ जेंट्स का था, अब क्या कर दिए हैं लेडीज के, बच्चों का सारा चीज कर दिया उन्होंने, फ्लोर बना दिया है, 3 फ्लोर का कर दिया। ये शर्ट भी बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लगा ये भी शर्ट, अच्छा लगा बहुत ज्यादा। ये भी देखो उन्हीं के शॉप का ही है, यूनिस अरे मैक्सिमम वाली, ये भी अच्छा है, ये भी देखो ये भी अच्छा है। हाँ, इसमें व्हाइट कलर इन्होंने पहना, तो व्हाइट कलर में क्या आया कि इनके पेट दिख रहे थे, अरे मतलब कि वो कपड़ा अजीब सा लग रहा था, तो व्हाइट वाला वाला ले लिए, नहीं व्हाइट नहीं लिए। ये सबसे सुंदर लगा था, इस पर बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, ये वाला शर्ट, इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छा है ना, रॉयल ब्लू। ये चीज़ पे स्मार्ट लगते हैं ये। और ये भी, ये जितने भी है ना सारे मैंने अपने पसंद से दिलाया है, जैसे उनको भी पसंद था पर मैंने बोला कि नहीं आप ये टी शर्ट भी पहने थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था ये टी शर्ट में, बोले नहीं ये सब कलर पहनो यार, वही ब्लैक वही ब्लू वही पर्पल, हमके कुछ कलर चेंज किया करो ना, तो ये खिलेगा इनके ऊपर। और एक चीज़ के लिए मुझे इनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आया था गाइस, ना बता नहीं सकते। मैंने अपने लिए पैंट लिया, इनको अपना लेंथ कटवाने के लिए टाइम था, लेकिन मेरा लेंथ कटवाने के लिए बिल्कुल, क्या देख रहे हैं जो बता रहे, एक अरे तुरंत करवा देंगे नहीं, हम देखते क्या करवाएंगे। एक पैंट इन्होंने ये लिया, ये इनकी इतनी शॉपिंग जितना भी दिखाया मैंने। अब लड़कों का इंटरेस्ट नहीं रहता है लड़कियों का देख, मतलब लड़कियों को तो नहीं इंटरेस्ट रहता है कि लड़कों का मैं देखूं, तो इतने सारे मैंने खोल के दिखा दिए। अब एक पैंट ये देखो किट्टू रानी, मेरे पीठ पीछे मेरे कपड़े तुम दिखा रही हो, मेरे को बता देती मेरा भी वीडियो बन जाता है। मैं क्यों बताऊं, एक ये तो देखो आजकल स्टाइलिस्ट बन रहे हैं, ऐसा पैंट लिए हैं देख लो आप लोग, 5,500 रुपए का पैंट है ये, अच्छा लग रहा है। मैं भी ऐसे ढूंढी तो मेरे को अलवा पलवा दिला दिए हैं, अलवा पलवा तुमको झलवा दिलाए क्या तुम्हें, चलो लाजपत नगर दिला देते हैं। अब हम लाजपत नगर आ गए, एक ही दिन इतना पॉसिबल नहीं होता प्रवीण, ये वाला सस्ता वाला है, ये तो जहाँ से ये व्हाइट वाला नहीं लिए थे, दिखाई नहीं व्हाइट वाला प्रवीण, ये वाला वहाँ से लिए थे। ये भी बोले कि मुझे थोड़ा सा, हम कह कि ना जो आप शुरू से पहन रहे हो, तुमने बोला कि लुक चेंज करो, मैंने बोला कि जो वो वाला पैंट आप बोल रहे थे, मैंने बोला कि जो आप लुक ले रखे हो ना वही चीज अच्छा लगेगा। आप कहो कि हम अमिताभ बच्चन की तरफ बड़ा बड़ा वाला जो झोल वाला कपड़ा पहने तो वो नहीं अच्छा लगेगा आपके ऊपर, बस इनका इतना ही था ना। और कैसा लगा मेरा ड्रेस प्रवीण, अच्छा है सर, तो कम से कम मेरी तो 25,000 की शॉपिंग मेरी हो गई। एक छोटी को और दिलाए थे ना, टी शर्ट का है ये देखिए, छोटी का है, एक दो ड्रेस ये मेरा है वाला, ये टॉप है छोटी के लिए, मैंने ये टी शर्ट लिया, कैसा लगेगा कमेंट करके। हम जब शॉप पे गए ना सारे दुकानें बंद हो गई थी, नजर मेन शॉपिंग तो लाजपत नगर में ही हो पाई। मेरी शॉपिंग सर, मेरी शर्ट कैसे लगे सर प्रवीण सर, बाल बाल मैन किया है, मैं बोल तो रहा था दीदी से लगे तो सब बहुत बढ़िया दिया है, तो उसके हम बोले की ब्रांड ही तो मिलता है उसके यहाँ, लोकल नहीं मिलता है। एक टी शर्ट और सब छोटी का कहाँ है, ये वाला उसका, ये वाला मैंने 2 लोकल में से लिया है लेकिन ये अच्छा था। मैं बोल रही हूँ कि एक टी शर्ट और दिला रखा था, कहाँ है एक टी शर्ट, देखो इसमें पन्नी किसी में इसमें नहीं है, इतना झेला ही नहीं, बस मेरे मैंने सिर्फ ये लिया था, कहा आपने और पन्नी कहाँ रख दिया, फिर वही होगा पन्नी, इसमें भी नहीं है पन्नी, फिर वही रूम होगा, मैं लेके आता हूँ, लेके आइए। एक तो गए सच बताओ, आप लोग भले ही कुछ बोल दोगे, और वो वाला भी मांग लेना, ग्रीन वाला आप ये सोचेंगे कि पता है वो इतनी पतली है ना कि उस पहन रही थी जो भी ड्रेस उसके ऊपर पता नहीं क्यों खिल नहीं रहा था, तो बोल रही है कि एक होता है ना कि अच्छा लगे, एक ग्रीन वाला भी था, ग्रीन वाला तुम्हारा वो भी लाना है क्या, ग्रीन वाला ला दो, ग्रीन वाला, कौन सा ग्रीन वाला, जो उस दिन वहां से लिए थे, अरे मतलब जो शॉपिंग किए थे वहां पे है वो, उससे पूछो ना छोटी, सुनो जो दीदी तुमको ग्रीन वाला टी शर्ट दिलाई थी कहां है ले आना, ये देखिए, क्योंकि अब भैया उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे ना, जब उसको जो पच्चा लगेगा बोलिए, हम कहे कि तुम ले लो। और उसका कहना क्या है सबसे मेन चीज़, वो कह रही है कि हम, आप दीदी हम जो भी कपड़ा लेंगे यहीं पे पहनेंगे, हम घर जाएंगे तो हमारे घर पे परमिशन नहीं है कपड़ा पहनने का, ऐसा ऐसा। मैं बोली यार ऐसा कुछ नहीं है, पहनो बहुत ज़्यादा खराब, तुम पतली हो तुम्हारे ऊपर खराब नहीं लगेगा। एक ये टी शर्ट था और एक ये टी शर्ट था,
दुबली पतली है आ जाएगा, क्योंकि ये मोटे मोटे को भी आ जाएगा स्ट्रेचेबल है ना। और एक ये था, ये तो मैक से दिलाए थे, एकदम देखो सिकुड़ा के रखी थी। कपड़े ऐसे रखे जाते हैं, नए कपड़े पहनना नहीं है तुमको, पहनना नहीं है। खोले ये तीन इनको दिला रखे थे मैंने, तीनों पसंद है ना। हाँ, अच्छा लगा था। अब पहनोगी तो दिखा देना लोगों को। और चलते हैं हम और एक ये बैग लिए थे बाबू के लिए। हाँ, बाबू के लिए एक चीज दिया था मैंने ये, क्योंकि जो हमने बैग लाजपत नगर से लिया था बहुत उसके वेट इतने ज्यादा, उसका वेट ही कसम 1.5 किलो है मुझे लगता है। फिर मेरे से बोला कि, मेरे से होगा कि भैया हम नहीं कर सकते हैं। ये मैंने बाबू के लिए लिया था बॉटल वॉटल रखने के लिए, और ये बहुत ही कम रेट में मिला, सिर्फ 200। मैंने एक टी शर्ट अपने लिए ये लिया था, एक टी शर्ट मैंने ये लिया था, ठीक है। ये हाफ चड्डी वाला है, मैंने दिलाया किट्टू के वाला। आपने दिलाया, चलो मगर ले लो। ये कलर ये है, पहनेंगी वो लेकिन पैसे नहीं लगेंगे। ये देखो मेरा उल्टा कौन रख दिया, आप चेक कर। छोटी छोटी ट्राई की थी इस पे, मुझे व्हाइट कलर का वो एकदम सॉफ्ट वाला सूट चाहिए। ओके, ये मैंने अपने लिए फ्रॉक लिया है। आजकल लोग कमेंट वंदना दीदी के जहाँ पे किट्टू आजकल फ्रॉक पहन रही है, वंदना दी आप भी फ्रॉक पहनो। देखो एक मैंने ये व्हाइट कलर लिया गर्मी के हिसाब से, ये पैंट मैंने लिया है, ये थोड़ा सा इतना ढेर सारा इनको शॉपिंग कराया, इनको कुछ नहीं खिलाया, ये हम बोले कि तुम ले लो किट्टू अपने मन से दिलाए सारी चीजें। ये थोड़ा सा रात को महंगा ये पैंट लिया, अभी इसको डेली खेलने जाते हैं, इसको लेंथ कम करवाना है अभी। चलो भी करवाना है, इसका भी कपड़ा है तुम्हारा, सारा कपड़ा पहले अपना निकाल लो जो मुझे फिटिंग कराना है, ठीक है। जो पहले ये काम करो, आज ही काम करवा दे। कल जबकि सुबह हम लोग जब सोए थे तो ये सब काम कर लेना चाहिए। अब तुमको कल क्या बोले थे हम, क्या बोले तुम अपने शब्दों में, क्या बोले थे? 10 मिनट में आती हूं। कल क्या बोले थे? A few moments later guys, सब लोगों ने चाय वगैरह पी लिया था और सब थके इतने थे कि किसी का मन नहीं कर रहा था कि खाना पीना खाने का। और खासकर मैं सच में बहुत ज़्यादा थकी थी इसलिए और नहीं की। तो इन्होंने बोला कि खाने में आज तो एकादशी, चावल तो बना नहीं सकती हो, तो क्या बनाओगी? मैंने बोला क्या बनाऊँ यार, समझ भी नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, पतिदेव का फेवरेट पोहा मैंने बना दिया फटाफट। फिर मार्केट से मटर मंगाए, और मटर हमको मंगाना चाहिए था 1 किलो, तो हमने ऑर्डर कर दिया सिर्फ 1/2 किलो। तो हमने क्या किया, जो मूंगफली होता है ना, मूंगफली मतलब पीनट, वो हम भून के रखे थे, तो मैंने उसको मिक्स करके और मटर को मिक्स कर करके दोनों को मिक्स करके बनाया। और उसके बाद पतिदेव को पता नहीं क्यों घर साफ लग ही नहीं रहा था, मेड के बावजूद भी डेली डेली 2-3 बार पता नहीं क्यों उनको कितना सफाई चाहिए होता है, उन्होंने पूरे घर को फिर से क्लीन किया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर, अरे पोहा, तो फटाफट इनको दे देते हैं खाने के लिए, टाइम भी हो गया है खाने का क्योंकि अभी तो सीज़न नहीं है पोहा खाने का, पर उनका मन था तो हम क्या, चलो बना देते हैं। सॉरी गाना बज रहा है। अच्छा पहचान गए मम्मा हूँ, मम्मा पहचान गए।